हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं कोशिका की। यानी कोशिका आपने पढ़ी होगी काफी अच्छे से, उसके बारे में पढ़ा होगा, 11th 12th में काफी अच्छे से पढ़ा दी जाती है। लेकिन उसी के कुछ जो मैक्सिमम पार्ट है उसको क्या बच्चे कवर ही नहीं कर पाते। कुछ अलग टाइप से कोशिका को पढ़ाया जाता है, एक डायग्राम बना दिया जाता है कि बच्चों ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। ये डायग्राम तो अपने को सबको पता है कि हाँ ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका है, लेकिन इनके अंदर ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जिनको अपन शायद पढ़ भी लेते हैं लेकिन वो याद नहीं होती। तो आज उसी चीज को मैं थोड़ा सा आपके सामने अलग टाइप से लेके आया हूं। तो आपको कोशिका की जितनी भी अंदर की आंतरिक संरचनाएं हैं वो एक ही बार में सारी की सारी आंतरिक संरचनाएं आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहां पर आठ एंड पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सेल्स। यानी कोशिका के अंदर आठ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो उस कोशिका को, पूरी कोशिका को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये पादप कोशिकाओं के अंदर और जंतु कोशिकाओं के अंदर लगभग लगभग ये सभी पार्ट्स पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो किसी भी जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन अगर बात करूं मैं प्लांट कोशिका की यानी प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में भाई सेल वॉल भी एक पार्ट्स होता है। यानी इसके अंदर एक्स्ट्रा जो पार्ट पाया जाता है वो पाया जाता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी पादप कोशिका में एक अलग से संरचना पाई जाती है कोशिका भित्ति की। यानी इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है उन कोशिकाओं को हम पादप कोशिका के नाम से जानते हैं, और जिन कोशिकाओं में सेल वॉल एब्सेंट होती है उन कोशिकाओं को हम जंतु कोशिका के रूप में जानते हैं। यानी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है सेल वॉल का। यानी सेल वॉल की जहां प्रेजेंस होगी वह कोशिका हमेशा प्लांट सेल्स होगी, और सेल वॉल की जहां एब्सेंट होगी वह हमेशा कौन सी सेल्स होगी, एनिमल सेल्स। यानी ये एनिमल सेल्स होगी और ये प्लांट सेल्स होगी। अब बात कर लेते हैं सेल वॉल की यानी कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति ज्यादातर पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाई जाती। अगला पार्ट आता है सेल मेम्ब्रेन का। यानी सेल मेम्ब्रेन ये क्या होती है, ये सेल वॉल की तरह कठोर नहीं होती है, यानी ये लचीली पारदर्शी होती है, लचीली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जिनसे पदार्थ आ जा सकते हैं। इसका मतलब ये कठोर नहीं होती, तो इस कारण से जो एनिमल होते हैं यानी जो जीव जंतु होते हैं वह क्या करते हैं, अपनी कोशिकाओं को अलग आकार आकृति की बना सकते हैं, जबकि पादप ऐसा नहीं करते हैं। तभी तो आज अपने हाथ जो होते हैं वो अपन मोड़ लेते हैं, उंगलियों को अपन मोड़ सकते हैं, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, मैं यहां से चलकर वहां तक जा पा रहा हूं, ये किसकी प्रेजेंस की वजह से है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से। अगर अपने अंदर भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स उपस्थित है अगर उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती तो शायद हम जहां के जहां पेड़ के जैसे चुपचाप खड़े रहते ना, तो हम यहां से वहां चल पाते। अगर मैं हाथ को नीचे की तरफ करता तो हाथ यहां से टूटकर नीचे गिर जाता, तो इसका मतलब वह सेल वॉल की वजह से होता है, क्योंकि सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल्स को क्या कर देती है, टफ बना देती है। इसी कारण से अपन जब कोई लकड़ी को जब तोड़ते हैं तो वह टूट जाती है, लेकिन पादपों के साथ ऐसा है कि वो टूट जाते हैं, लेकिन जंतुओं के साथ ऐसा नहीं है। आपने उंगली को मोड़ दिया लेकिन फिर भी यहाँ की कोशिकाएं ब्रेक नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये क्या होती है, थोड़ी सी लचीली प्रवृत्ति की होती है। और सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे ऐसे, अगर मैं इसी का आपको जूम करके डायग्राम दिखाऊं सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन का अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो यहां पर ये क्या होती है भाई, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसमें बीच बीच में प्रोटीन पार्ट्स पाया जाता है, ठीक है, और यहां पर लिपिड के लेयर पाए जाते हैं, यानी अलग अलग पार्ट से मिलकर बने होते हैं लिपिड और बाइलेयर लिपिड लेयर होती है और प्रोटीन पार्ट इसमें पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर एक कहा जाए तो ये समुद्र में द्वीप जैसी संरचना होती है,
या फिर सैंडविच मॉडल, आप उसमें काफी अलग अलग मॉडल में अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं, तो सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है गोल्जी एपरेटस का। अब गोल्जी एपरेटस का क्या है महत्व, यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे हिंदी में कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी एपरेटस का मतलब यह है कि जब कोई कोशिका, जैसे ये कोशिका है, ये पूरी पूरी कोशिका है और इसके बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्रोमेटिन का जाल प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पर जब लगातार क्या होता है कि जो प्रोटीन पार्ट लगातार क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन से जो लगातार यहां से क्या है एमआरएनए बाहर आता है, एमआरएनए, क्योंकि रेप्लिकेशन अपन जानते हैं कि डीएनए होता है ये 5' ये 3', और ये 3' और ये 5', और यहां पर ये एडेनिन लिंक साथ ये थायमिन, ठीक है, तो अलग अलग यहां पर नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो इसकी क्या होती है, यहां पर कॉपियां बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये कॉपियां बनकर ये एमआरएनए के फॉर्म में बनती है, इसका एमआरएनए के फॉर्म में बनती है। जब ये एमआरएनए, तो ये ज्यादातर प्रोसेसिंग कहाँ चल रही है भाई, ये न्यूक्लियस के अंदर चल रही है। जब यहां से एमआरएनए बाहर आता है तो यहां पर कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के जीव द्रव्य में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी जो राइबोसोम होते हैं ये राइबोसोम 8 आकार की, यानी बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट, ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई, इसी के जस्ट बाहर पाई जाती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये भी दो टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपन पढ़ेंगे ठीक है। तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, अब यहां पर इसके जस्ट ऊपर होती है गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जब यहां पर होती तो यहां पर प्रेजेंट होती है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है गोल्जी एपरेटस यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये अलग अलग संरचनाओं के रूप में, बहुत सारी संरचनाओं के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनका मुख्य काम क्या है, पढ़ तो रहे हम गोल्जी एपरेटस, लेकिन गोल्जी एपरेटस का ऐसा क्या वर्क है जिसको आपको समझना है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में डायग्राम भी समझा देता हूँ, पूरी कोशिका के बारे में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से आगे पढ़ देते हैं इस चीज को। जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, और ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमेटिन का जाल है, और यहां पर केंद्रिका है छोटी सी, ठीक है, ये भी डबल लेयर्ड होती है। अब यहां पर क्या पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही जस्ट पाए जाते हैं राइबोसोम, इसके जस्ट ऊपर पाए जाते हैं यहां पर राइबोसोम। जब इन राइबोसोम्स के अंदर, अब यहां पर समझने का मैकेनिज्म है कि क्या होता है यहां पर कोशिका के अंदर, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेलोल की, तो प्लांट्स की बात होगी, अब अगर एनिमल की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है जो डबल लेयर्ड होती है, और इसके यहां पर
इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है, बीच में प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे संरचनाएं पाई जाती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, डबल लेयर्ड होती है, तो ये संरचना पाई जाती है। उसके बाद में गोल्जी एपरेटस कहाँ पाए जाते हैं, गोल्जी जस्ट इसके ऊपर यहां पर पाए जाते हैं। और अपन ने ये भी पढ़ा है कि गोल्जी दो टाइप्स की होती है, बेसिस गोल्जी और ट्रांस गोल्जी। गोल्जी भी कितने बार टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की, सिस गोल्जी और ट्रांस गोल्जी। अब इनका मैकेनिज्म एक बाद में अपन पहला डायग्राम समझ लेते हैं, पूरा डायग्राम में बना देता हूँ क्या क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिर उसके बाद में अपन समझेंगे। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी ये भी डबल लेयर्ड संरचना है जिसमें ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में वैक्यूल्स, तो यहां पर बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है, ये वैक्यूल्स हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ आता है राइबोसोम, राइबोसोम आपने बना दिए, और न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। अब इसमें पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट, सबसे बाहर की साइड पर सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सबसे बाहर की सेल वॉल, ये थोड़ी टफ होती है, इसको इस टाइप से आप बना सकते हो। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, डायग्राम अपनी किताब के अकॉर्डिंग आप देख लेना, मैं ओनली समझाने पर्पस। अब अगर बात करते हैं सेल वॉल की, तो यहाँ पर सबसे बाहरी जो आवरण पाया जाता है वो सेल वॉल का पाया जाता है, लेकिन मैंने आपसे कंडीशन कही है कि ओनली प्लांट कोशिकाओं यानी पादप कोशिकाओं के अंदर यानी प्लांट सेल्स के अंदर ही सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल्स के ऊपर सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होगी। हमेशा ये याद रखो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ओनली सेल वॉल का है, अदरवाइज कोई डिफरेंस इनको पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन क्या है, डबल लेयर्ड है, फिर बाद में अपन आगे के वीडियो में हर एक का अच्छे से डायग्राम साथ में उनकी पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी मेन मेन अपने को फंक्शंस पता करने हैं कि ये क्या क्या काम आते हैं और कोशिका कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर लेयर बनाती है किसी भी सेल्स की। अगर वह सेल वॉल प्रेजेंट है उसके ऊपर तो इसका मतलब प्लांट सेल्स होगी, अगर उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है ओनली सेल वॉल एब्सेंट है तो वह एनिमल सेल्स होगी। गोल्जी एपरेटस यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट केंद्रक के बाहर ये वाली पोजिशन पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। ये भी दो टाइप्स की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और दूसरी कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरा अंतःप्रद्वीय जालिका और चिकनी अंतःप्रद्वीय जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ क्यों कहा जाता है, इसको रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम है। यानी जो राइबोसोम, यहाँ राइबोसोम यहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म से आकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आकर चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण यहाँ पर बाहर इसके एक घुंडी जैसी संरचना दिखाई देने लगती है, इसी कारण से ये थोड़ी खुरदरी हो जाती है। अंतःप्रद्वीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाती है, खुरदरी दिखाई देने लगती है, और जब खुरदरी दिखाई देने लगती है तो इसी को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी भी प्रकार के राइबोसोम आकर नहीं जुड़ते हैं, और जब राइबोसोम इनके ऊपर आकर नहीं चिपकते हैं तो इसका मतलब इनकी जो स्किन है यानी जो सतह है वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, स्मूथ रहती है। इस कारण से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई राइबोसोम आकर नहीं चिपके हैं, और जिनके ऊपर राइबोसोम आकर चिपक जाते हैं उनको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी रेटिकुलम दो प्रकार की,
अब इनका फंक्शन आगे बताऊंगा भाई काम कहाँ आती है, कैसे काम आती है। उसके बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब सीधा सा यह है कि हरित लवक, यानी पादप कोशिका है तो हरित लवक प्रेजेंट होगा, और अगर जंतु कोशिका है तो भाई हरित लवक नहीं पाया जाएगा। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए, अगर जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल्स है तो उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट हमेशा क्या होगा, एब्सेंट होगा। यानी उसमें प्लांट सेल्स के अंदर सेलोल भी प्रेजेंट होती है तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स है तो उसमें सेलोल भी एब्सेंट होगा और क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो इसमें प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसमें सेलोल भी प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, इसका मतलब इस कोशिका को अपन क्या कहेंगे, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स। अब यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है इसका भी मैं आपको फंक्शंस बताऊंगा कि किस प्रकार का इसका फंक्शंस होता है, क्या क्या काम करती है कोशिका के अंदर, क्या इसका वर्क है, तो वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहे वह एनिमल सेल्स हो चाहे वह प्लांट सेल्स हो, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई दोनों कोशिकाओं के अंदर, दोनों सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है ये क्या करता है, एटीपी प्रोवाइड कराता है, एटीपी हमेशा प्रोवाइड कराता है। अब अपन जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, इसको एनर्जी हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एनर्जी हाउस यानी लगातार ये एटीपी को देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी हमेशा फॉस्फेट समूह प्रदान करता है, यानी कहीं ना कहीं ये सेल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और लगातार एनर्जी प्रोवाइड कराने के कारण कोई भी सेल्स क्या करती है, वर्क करती है, जितना भी उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जितने भी उसके अंदर के जो मैकेनिज्म है, वह सारे के सारे एटीपी के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमें भोजन के साथ साथ क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर मान के चलो 3 दिन तक आपको भूखा रखा जाए और कहे आपसे कुछ काम करवाया जाए तो क्या आप करोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो उस एनर्जी को प्रोवाइड कराने का काम सेल्स को कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी कहाँ से आती है, तो ये कहीं ना कहीं भोजन से आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है सेल्स के अंदर, ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है किसी भी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद में वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स में बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का मतलब सीधा से क्या होता है कि किसी भी सेल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, बीच में ऐसे गैप्स रह जाते हैं जहां पर कभी कभार क्या हो जाती है, एयर ट्रांसफर हो जाता है, यानी एयर, ठीक है, भरी होती है, जैसे एयर बबल्स जिसे अपन कह सकते हैं। जैसे सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर अगर एयर बबल्स हैं तो उनको अपन वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब वैक्यूल्स में क्या होते हैं, कभी कभार फूड वैक्यूल्स होती है, कभी कभार वैक्यूल्स क्या करती है, फूड वैक्यूल्स ही होती है, यानी भोजन को पचाने का काम भी करती है। बहुत सारे वैक्यूल्स, उनके अंदर ऐसे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो लगातार किसी भी भोजन को पचाने का काम करती है। जैसे आपने अमीबा के अंदर देखा होगा बहुत सारे वैक्यूल्स जनरेट होती है, ठीक है। तो ये किसी भी टाइप्स की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वैक्यूल्स से सीधा सा तात्पर्य है, यानी ऐसे बबल्स, एयर बबल्स जिनके अंदर या तो गैसें भरी रहती है या फिर कोई एंजाइम भरे रहते हैं, तो उन्हीं को अपन वैक्यूल्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और किसी भी कोशिका के अंदर ये पाए जाते हैं, ज्यादातर ये प्लांट सेल्स के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल्स में एयर बबल्स थोड़ा कम देखने हैं, वैक्यूल्स थोड़ी कम देखने को होती, वहां पर भी है, ऐसा नहीं है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों के अंदर एयर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। आकार आकृति में क्या होती है, वैक्यूल्स बड़ी होती है। बड़ी होने का कारण क्या हो जाता है कि जो इनका केंद्रक है यानी न्यूक्लियस है, वह क्या हो जाता है, साइड पर खिसक जाता है। वैक्यूल्स बड़ी इसी कारण से होती है, ठीक है। तो बड़ी होने के कारण जो न्यूक्लियस है वह क्या हो जाता है, साइड पर खिसक जाता है, यानी परिधि की ओर चला जाता है, ठीक है। लेकिन प्लांट एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स छोटी पाई जाती है, बड़ी नहीं पाई जाती। प्लांट सेल्स में हमेशा वैक्यूल्स क्या होगी, बड़ी होगी, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स का मेन क्या है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये क्या होते हैं, एक प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में सहायक होते हैं। एक तरह की फैक्ट्री कह सकते हैं अपन इसको, प्रोटीन फैक्ट्री,
यानी सेल्स की प्रोटीन फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। हमेशा राइबोसोम्स के अंदर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और किस टाइप से होता है उसको आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी भी सेल्स को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम, किसी भी सेल्स पर कंट्रोल रखने का जो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो न्यूक्लियस है। यानी पूरी इतनी बड़ी सेल्स को ये जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है, यानी इसके पूरे मैकेनिज्म में, यानी सेल्स के अंदर क्या क्या होगा, किस किस तरह से कौन सा काम चलेगा, वो सब सारा का सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस के अंदर कैसी कौन सी चीज पाई जाती है, तो भाई न्यूक्लियस में पाया जाता है आरएनए और या डीएनए, या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर डीएनए प्रेजेंट होगा, क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, और ये क्या करते हैं, ये पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। यानी ये सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है किसी भी सेल्स की, क्योंकि पूरी जो सेल्स का जितना भी मैकेनिज्म है, जितना भी उसका मेटाबॉलिज्म है, उन सभी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं दो के अंदर होती है। तो ज्यादातर प्लांट्स के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, ज्यादातर एनिमल्स में डीएनए पाया जाता है, अगर वायरस भी होगा तो उसमें ज्यादातर आरएनए पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में ज्यादातर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। दोनों के दोनों ही आनुवंशिक यूनिट्स मानी जाती है, जो क्या करती है, पूरी सेल्स को रेगुलेट करने का काम करती है और साथ में कंट्रोल करती है। उसी के बाद में यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, इसमें क्रोमेटीन जाल तो होता है, लेकिन साथ में प्रोटीन पार्ट्स भी होता है। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है न्यूक्लियस के साथ में, तो इसी का मैं पूरा फंक्शन आपको बताने वाला हूँ कि ये सारे के सारे कोशिका में, यानी जो सेल्स है उसके अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, इन सभी का क्या वर्क है, किस तरह से ये काम करते हैं, तो आज उसी चीज को अपन सीखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर सबसे पहले जो सेल्स का न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो क्रोमेटीन जो जाल है, ये आरएनए या डीएनए का जाल होता है, लंबा एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे अपन क्रोमेटीन फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे सेल डिवीजन का टाइम आता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पर ये क्रोमेटीन जो होता है ये क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। क्रोमेटीन जो जाल होता है, क्रोमेटीन और प्रोटीन, ये आपस में क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होकर ये क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। और जैसे ही क्रोमोजोम्स का निर्माण होता है, जैसे अपन के अंदर पाए जाते हैं, अपने अंदर कितने पाए जाते हैं, यहाँ पर टोटल 23, ठीक है, प्लस एक्स वाई, फिर 23 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, तो ये जोड़े पाए जाते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर, अलग अलग प्लांट्स के अंदर, अलग अलग यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोमोजोम्स की, ठीक है, तो क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन होने के टाइम पर यहाँ पर लगातार क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है, और रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलने के बाद में यहाँ पर डीएनए से क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी जो डीएनए होता है अपना, इससे डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन कैसे बनता है, मैं आपको उसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। यहां से क्या होता है कि जो एमआरएनए जो डीएनए के पास में से क्या आया, एमआरएनए, यानी जो न्यूक्लियस है उसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ये एमआरएनए कहां आता है भाई, ये एमआरएनए यहां से ट्रेवल करता 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 कहां आ जाता है, राइबोसोम्स के पास आता है, यानी ये राइबोसोम्स के पास आता है, और राइबोसोम्स के पास आने के बाद में राइबोसोम्स के पास दो यूनिट पाई जाती है, दो बड़ी यूनिट, एक तो बड़ी यूनिट पाई जाती है और एक छोटी सब यूनिट पाई जाती है। अब यहां पर ये जो एमआरएनए है ये ट्रेवल करता करता होता है, और इसी के पास यहां पर अलग अलग प्लेट्स पाई जाती है जिसमें टीआरएनए भी शामिल होता है, टीआरएनए, ठीक है। अब यहां पर राइबोसोम एंट्री करता है, और राइबोसोम सॉरी यहां पर एमआरएनए एंट्री करता है, एमआरएनए एंट्री करने के बाद में ये राइबोसोम क्या करता है, इस एमआरएनए को रीड करता है, और एमआरएनए को रीड कर ये प्रोटीन का यहाँ से फॉर्मेशन करता है, यानी एमिनो एसिड्स का लगातार क्या है, चेन बनती जाती है,
और लगातार प्रोटीन का फॉर्मेशन होता जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोटीन बनता है एमआरएनए की मदद से। तो एमआरएनए कहाँ से है? न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन का जाल है उनसे एमआरएनए बनता है रेप्लिकेशन के जरिए, और रेप्लिकेशन होने के बाद एमआरएनए एमआरएनए राइबोसोम्स के पास आता है और राइबोसोम किसका फॉर्मेशन कर देता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से लगातार क्या निकल रहा है? प्रोटीन निकल रहा है, यानी जितने भी राइबोसोम है उन सभी से क्या निकलता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोटीन का फॉर्मेशन होने के बाद में इस प्रोटीन का भी आपको मैं बता देता हूँ इसके डिटेल। जो प्रोटीन होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एन साइड और एक सी साइड, दो साइड होती है एन और सी। अब यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस का क्या काम है? ठीक है, यानी अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पढ़ लिया, लेकिन गोल्जी अपैरेटस का क्या काम है? तो भैया वो जहां पर ये एमआरएनए राइबोसोम्स के पास गया, राइबोसोम्स कहा भैया प्रोटीन बना दे, राइबोसोम ने प्रोटीन जनरेट कर दिया। अब इस प्रोटीन को लेने का काम यानी इसकी ट्रेवलिंग का काम कौन करता है भाई? इसकी ट्रेवलिंग यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस करता है, यानी जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करती है? यहाँ पर वैक्यूल जनरेट करती है और वैक्यूल जनरेट कर इस प्रोटीन को क्या कर लेती है? एब्सोर्ब करती है इस प्रोटीन को और यहाँ से गोल्जी अपैरेटस में जाकर छोड़ देती है। तो सिस गोल्जी से ट्रांस गोल्जी में यह ट्रांसफर हो जाता है और ये गोल्जी अपैरेटस ही क्या करता है? इसकी पूरी ट्रांसफर का, प्रोटीन को पूरी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस करता है। तो मुख्य रूप से गोल्जी अपैरेटस दो टाइप्स की होती है, सिस गोल्जी और ट्रांस गोल्जी, और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कि ये क्या करती है? प्रोटीन को उसके मूल स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है, यानी प्रोटीन जो बना है उसको राइबोसोम्स के जरिए जो प्रोटीन बना है उस प्रोटीन को क्या करती है? सेल्स के अलग अलग पार्ट्स को प्रोवाइड कराने का ये काम करती है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर पोर्शन, तो यहाँ पर फिर न्यूक्लियस का तो आपको मैंने बता ही दिया, तो पूरा पोर्शन यहाँ पर ऐसे कैसे रेगुलेट होता है। और बाहर से अगर कोई सेल्स में अटैक करता है, जैसे वायरस वगैरह कोई आता है, जैसे मान के चलो किसी वायरस ने अगर सेल्स के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग क्या होते हैं? चैनल्स पाए जाते हैं। उन चैनल्स इस वायरस को एक्सेप्ट अगर नहीं करते हैं तो फिर ये वायरस इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता सेल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इनके ऊपर प्रोटीन्स पार्ट पाए जाते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट चल रहा है कोरोना, तो कोरोना का क्या केस है? कोरोना का केस ये है कि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं, इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन पाए जाते हैं, और स्पाइक प्रोटीन की वजह से अपनी सेल्स के ऊपर भी क्या पाए जाते हैं? स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, अपनी सेल्स के ऊपर भी स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर पाए जाते हैं सेल टू सेल। अगर ये रिसेप्टर अगर बिल्कुल ही चेंज हो, जैसे आपका ताला चाबी सिद्धांत है, आपके जो चाबी होगा उसी से वो ताला खुलेगा, दूसरी चाबी से ट्राई करोगे तो ताला नहीं खुलेगा, तो वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी प्रोसेस है कि इस कोरोना के पास में अपनी कोशिकाओं से संबंधित जानकारी है, और इस कोरोना के पास में जो बाहरी जो प्रोटीन लेयर है वह स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई है, और अपनी सेल्स के ऊपर भी स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। जब ये स्पाइक प्रोटीन अपने रिसेप्टरों से आकर अटैच होते हैं तो अपनी सेल्स को इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई ये अपना ही अंग है और इसको अपन को एंट्री दे देनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि इस कोरोना को ये सेल्स क्या कर देती है? एंट्री दे देती है, यानी ये अपने चैनल्स को यहाँ पर ओपन कर लेती है, और जैसे ओपन करती है तो कोरोना कहाँ जाता है? सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जैसे ही एंट्री करता है तो लगातार क्या करता है? ये सेल्स को डैमेज करता है और लगातार अपने नंबर्स ऑफ कोरोना बढ़ाता जाता है और लगातार सेल्स को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, और सेल्स को डैमेज करने की वजह से लगातार सेल्स क्या हो जाती है? पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आगे के प्रोसेसिंग है, और इसी को एक एक संरचना को आगे के जो वीडियो आएगा मेरे उसमें अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकें उतना करें। थैंक यू।